आदरणीय बंधुओं और बहनों, 5 अगस्त का पावन दिन ये भारत के वर्तमान का और भविष्य के भी भाग्य का निर्णय देने वाला दिन है। 5 अगस्त को भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से श्री राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। कई सौ वर्षों के सतत संघर्ष और बलिदान के बाद ये पावन दिन आया है कि हम अपनी इन्हीं आंखों से भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनता हुआ देख सकेंगे। केवल ये मंदिर निर्माण का शिलान्यास नहीं है, अपितु भारत के भाग्य का शिलान्यास है। एक समृद्ध भारत, सुखी भारत, संपन्न भारत, शांत भारत, खिलता हुआ भारत, हंसता हुआ भारत, निरोग भारत, नृत्य करता भारत, गुनगुनाता भारत, एक दिव्य भारत की आधारशिला भी 5 अगस्त को रखी जा रही है। मुझे ऐसा लगता है युग परिवर्तन हो रहा है। भगवान श्री राम जब राजगद्दी पर बैठे थे, राज सिंहासन पर विराजमान हुए थे, तो आचार्यों ने ये बात बोली थी कि त्रेता भई कृतयुग के करनी। अगर भगवान राम के समय त्रेता में सतयुग आ सकता है तो मुझे ये विश्वास है कि कलयुग में त्रेता आ रहा है। सिंहासन पर जो भी बैठे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो चौपाइयां दोबारा से अपने को पुनरावृत करेंगी कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भई गए सब शोका, पैरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलाई स्वधर्म निरत सुरति नीति। मेरा पूरा विश्वास है कि ये शिलान्यास, ये जन्मभूमि पर बनने वाला भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, ये केवल पूजा स्थल का ही निर्माण नहीं है। तो मैंने पहले भी निवेदन किया था कि यहां से भारत के भाग्य के निर्माण के संदेश जाएंगे। भारत कैसा होगा, भारत कैसा होना चाहिए, जैसे व्यास पीठ से धर्म के संदेश जाते हैं, अयोध्या ये जन्मभूमि, ये भगवान का मंदिर, ये राज धर्म की व्यास पीठ होगी। राजा इस देश का कैसा होना चाहिए, प्रजा इस देश की कैसी होनी चाहिए, इसका संदेश ये प्रसारित होगा। बहुत भाग्यशाली दिन है 5 अगस्त। सारे विश्व में निवास करने वाले सभी हिंदू बंधुओं से, बहनों से मेरी अपील है, आग्रह है, निवेदन है कि जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी श्री अवध की पावन भूमि पर, जन्मभूमि भगवान श्री राम की, वहां विराजित होकर जब भव्य मंदिर का शिला पूजन कर रहे होंगे, लगभग 12 बजे का वो समय होगा, आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने घर के पूजा गृह में, अपने मोहल्ले के मंदिर में, अपने गांव के मंदिर में, अपने नगर के मंदिर में शंखनाद करें, आनंद महोत्सव मनाएं। ये महोत्सव का दिन है 5 अगस्त, लेकिन अपने आनंद में किसी को चिढ़ाने की, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। हम सब आनंद में तेरे डूब जाएं कि आनंद के अतिरिक्त और हमको कोई ध्यान ही न आए, ऐसी मेरी आपसे विनती है। आज के 5 अगस्त के इस पावन महोत्सव की सारे विश्व के अपने हिंदू भाई बहनों को मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरे प्रणाम हैं, धन्यवाद।